हेलो, मैं प्रदीप कुमार, आप सभी को क्लास 9th के केमिस्ट्री में तीसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। अणु, परमाणु तथा अणु। परमाणु तथा अणु यानी कि परमाणु को भी हम लोग पढ़ चुके हैं और अणु को भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है वह बता दिए हैं। तो यानी कि जो परमाणु होता है वह किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। उसी तरह से अणु जो होता है वह परमाणुओं के मिलने से बनता है, और परमाणुओं के मिलने से जब बनता है तो वह स्वतंत्र अवस्था में रहता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। क्योंकि जब भी रासायनिक अभिक्रिया में कुछ कोई कण भाग लेता है तो वह परमाणु होता है, न कि अणु होता। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। परमाणु के सिद्धांत पर यानी कि परमाणु पर जो भी कोई सिद्धांत दिया है, सबसे पहले डाल्टन ने दिया था। तो डाल्टन ने कुछ अपना नियम बताया, कुछ अपना अवधारणाएं बताया, और उन अवधारणाओं को आज भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कहीं सही है कहीं गलत है। लेकिन जो सबसे पहले बनाता है उसी का आधार होता है आगे चल के। तो यहाँ पर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में इन्होंने पहला नियम बताया कि जो परमाणु होता है वह क्या होता है, अविभाज्य होता है, अर्थात परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि इन्होंने बताया, डाल्टन ने बताया कि जो परमाणु होता है वह क्या होता है, अविभाज्य होता है, परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु अविभाज्य होता है यानी कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे किसी भी प्रकार से उसको बांटा नहीं जा सकता। उनका यही कहना था कि किसी भी प्रकार से परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। तो पहला पॉइंट लिख के बता दे रहे हैं। पहला पॉइंट है परमाणु अविभाज्य होता है, अविभाज्य होता है, अर्थात 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 परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट यह है, इन्होंने बताया कि अगर एक तत्व है वो वह चाहे जहाँ पर होगा उसका परमाणु भार, आकार और वह उसके जो अन्य गुण होंगे वह हर जगह क्या होंगे, समान होंगे। तो यानी कि
इसको कह सकते हैं कि एक ही तत्व के सभी गुण, एक ही तत्व के सभी सभी परमाणु भार, आकार, आकार व अन्य सभी गुण, व अन्य सभी गुण समान होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो आधुनिक परिभाषा है कि एक तत्व होगा उसका परमाणु भार भी अलग हो सकता है, आकार भी अलग हो सकता है, और अन्य गुण भी क्या होंगे, सब अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे पहले बताए थे डाल्टन ने कि कोई भी तत्व, यानी कि जैसे हाइड्रोजन है, वह चाहे जहाँ पर होगा उसका गुण क्या होगा, समान होगा, चाहे जिसके साथ रहेगा उसका गुण क्या होगा, समान होगा। लेकिन आकार भी क्या होगा, समान होगा, परमाणु भार भी क्या होगा, समान होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगले हेडिंग में पढ़ाएंगे आधुनिक परमाणु सिद्धांत। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार होता है कि एक तत्व के भिन्न भिन्न गुण हो सकते हैं, भिन्न भिन्न परमाणु संख्या भी हो सकती है, परमाणु भार भी हो सकता है, और भिन्न भिन्न आकार भी हो सकता है। लेकिन अब तीसरा पॉइंट है कि अगर अलग अलग तत्व हैं और यानी कि भिन्न भिन्न तत्व हैं, तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार और गुण अलग अलग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि भिन्न भिन्न तत्वों के गुण समान भी हो सकते हैं और उनका परमाणु भार भी क्या होगा, समान हो सकता है, या परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु भार भी क्या हो सकता है, समान हो सकता। तो यहाँ पर होगा कि भिन्न भिन्न, तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का आकार, परमाणुओं का भार व गुण, भार व गुण भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का जो भार होता है और गुण होता है वह भिन्न भिन्न हो सकता है, भिन्न भिन्न होते हैं, तो भिन्न भिन्न भी होते हैं और समान भी होते हैं। तो यह जो समान होते हैं यह आधुनिक परिभाषा के अनुसार है, वह भिन्न भिन्न होते हैं यह पुरानी परिभाषा है, यह डाल्टन के अनुसार है। और चौथा है दो या दो से अधिक। यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन है, इसका परमाणु भार एक होता है, हीलियम होता है, इसका परमाणु भार दो होता है, ऑक्सीजन होता है, इसका परमाणु भार 8, 16 होता है। तो इस तरह से तत्वों का परमाणु भार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अगला पॉइंट है, अगर दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो इन्होंने बताया कि वह यौगिक परमाणु बनाते हैं। जब दो से अधिक परमाणु
परस्पर मिलकर, परस्पर मिलकर, परस्पर मिलकर यौगिक परमाणु बनाते हैं, यौगिक परमाणु बनाते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता, यहाँ पे यौगिक परमाणु बनाते हैं यह डाल्टन के अनुसार है, लेकिन आधुनिक परिभाषा के अनुसार जब दो परमाणु परस्पर मिलते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर मिलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, यौड़ बनता है, न कि यौगिक परमाणु बनता है। तो यानी कि डाल्टन के अनुसार था कि जब दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर मिलते हैं तो वह यौगिक परमाणु का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे पचवा, इनका मानना था कि जो परमाणु होते हैं वह अविनाशी होते हैं, परमाणु अविनाशी होते हैं, अविनाशी होते हैं, अर्थात अर्थात इसे न तो बनाया जा सकता है, न तो बनाया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता। तो इनका मानना था कि परमाणु को, जो परमाणु होता है वह अविनाशी होता है, इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन जो आधुनिक परमाणु, आधुनिक परमाणु सिद्धांत है, वह उसमें बताया गया है कि परमाणु को नष्ट करके एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदला जा सकता है। थैंक यू।